इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने। और व्यूअर्स, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि सऊदी अरब ने जो लाउड स्पीकर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। मसाजिद में जो गैर जरूरी इस्तेमाल होता था और उलमा जो हैं वो अपनी मर्जी से जब मर्जी लाउड स्पीकर ऑन कर लें और जो जो मर्जी बोलते रहें। और ये इन्होंने कहा है कि जो सिर्फ अजान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और अकामत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो सऊदी अरब के मिनिस्टर हैं बेसिकली इस्लामिक अफेयर्स के, अब्दुल लतीफ अल शेख, उन्होंने ये बेसिकली अक्रॉस द किंगडम, पूरी सऊदी अरब की जो स्टेट है उसके अंदर ये तमाम मसाजिद को ये जारी किया है। अब अजान क्योंकि एक प्राइमरी कॉल है और बेसिकली ये समझते ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी थे उन्होंने भी यही कहा था कि हमें जो है वन शुड नॉट ट्रबल द अदर्स, और दूसरों को ट्रबल में नहीं लाना चाहिए और इस तरह गैर जरूरी आवाजें भी नहीं उठानी चाहिए। अब एक चीज तो समझने की आती है कि बेसिकली ये कोई लॉ नहीं है कहीं पे कि किस सेक्टर में, किस इलाके में कितनी मसाजिद चाहिए। जहां पे जिसका दिल किया उसने मस्जिद बना ली, चलो हर इंसान का हक है, वो अल्लाह का घर बनाना चाहता है और इस तरह की चीजें करना चाहता है। लेकिन जो एक होता है ना कि तरीके से चीजें की जानी, वो नहीं की जाती। और अबव ऑल जो मसाजिद का किस लाउड स्पीकर का मिसयूज होता है, ये बहुत बड़ा आपको पता है कि प्रॉब्लम है। और ये मैं पाकिस्तान के वाले से भी बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी इस पे बड़ी बहस हुई कि ये मसाजिद का जो ये जो लाउड स्पीकर है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, 2014-15 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ और उस वाकये के बाद पाकिस्तान ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उस वाकये में ये भी कहा गया, वो जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें लाउड स्पीकर्स के वाले से भी बात हुई कि ये जो मसाजिद में लाउड स्पीकर जो है इस्तेमाल होता है ये इसके ऊपर भी बात हुई और कि इसको स्पेशल लाउड स्पीकर ऑर्डिनेंस आई थिंक आया था एक, और फिर उसको बाद में लॉ शॉप भी बना। लेकिन ये साउंड सिस्टम के ऊपर भी और इस तरह की चीजें जो है वो हमने भी करने की कोशिश की, लेकिन हम वो बुरी तरह नाकाम हो गए। बल्कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा केसेस भी बनाए, लेकिन वो नाकाम हम इसलिए हो गए कि पहली बात तो ये है कि ये जो कॉल फॉर इस तरह की जो कॉल होती है ये दो तरह कर सकते हैं। अगर सऊदी अरब करेगा तो सऊदी अरब तो एक मोनार्की है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, तो वो तो एक नोटिफिकेशन भेजेंगे और नोटिफिकेशन से सारे का सारा जो है चीज क्लियर हो जाएगी और सबको पता है कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है और यहाँ पे फुल डेमोक्रेसी तो नहीं हम कह सकते इसको। हाइब्रिड डेमोक्रेसी होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको जैसे भी है एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता है, आपको उलमा को, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को, मदरसा को साथ लेना पड़ता है। जिस तरह मैंने बताया आपको थोड़े दिन पहले, इत्तेफाक से ये बुक मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, पैगाम है पाकिस्तान। ये जो बुक है ये ओवरऑल तो बात ये करती है जी कि ठीक है हमें जहाद के हवाले से बात करती है और स्टेट को स्टेट की जो रिट है उसकी बात करती है, लेकिन इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हुई। बल्कि थोड़े दिन पहले की एक बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, उन्होंने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। वैसे तो ये जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जाती है क्योंकि ये उलमा का ग्रुप है जो सारा टाइम एडवाइज करता रहता गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट भी ये बाइंडिंग नहीं है कि उनकी एडवाइस को एक्सेप्ट करें। अब ये कौन सी ऐसी आई काउंसिल निज़ाम भी कहा जाता है, और हाइब्रिड निज़ाम से ये होता है कि ये सिविल और मिलिट्री मिल के चीज़ें चला रहे हैं क्योंकि बहुत सारी फॉरेन पॉलिसी पे, बहुत सारे जो एरियाज हैं वहाँ पे
हुकूमत की कोई रिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान को फौज ने देखना होता है क्योंकि बड़ी देर से लगे हुए हैं, देख रहे हैं। इंडिया को उन्होंने देखना होता है, मिडल ईस्ट के ताल्लुकात जो हैं वो उन्होंने ठीक करके दिए हैं। तो जारी बात है ये एक हाइब्रिड सिस्टम ही कहा जाता है इसको। इमरान खान सिविलियन चीजें देख रहे हैं या कुछ और फॉरन पॉलिसी की, और या फिर मुस्लिम दुनिया को वो देख रहे होते हैं सो कॉल्ड। सो ये एक अजीब किस्म की सिचुएशन तो है यहाँ पे, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि ये जो इन्होंने लाउड स्पीकर्स को जो कहा है कि भाई ये कंट्रोल करो। मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ इस्लामाबाद में तो नहीं जहाँ, लेकिन मेरा गाँव है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मेरे गाँव में 3-4 मस्जिद हैं। तो जारी बात है कि अगर वहाँ पे एक आलम साहब या इस जहाँ पे मैं रहता हूँ अभी सुबह उठे और स्पीकर पे बातें करना शुरू कर दें, लोग सो रहे हैं, किसी ने स्कूल जाना है, किसी ने यूनिवर्सिटी जाना है, अब उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि लोगों की नींद खराब हो सकती है। मुझे एक दोस्त बताता था, कहता था कि मेरा जो घर है वो बिल्कुल मस्जिद के साथ है और हमारे जो आलम साहब हैं वो सुबह उठ के हमें वाज और नसीहत करते रहते हैं स्पीकर पे, तो जिससे मेरी नींद खराब होती है, मैंने सुबह दफ्तर जाना होता है और उससे जारी बात है मैं तो कंसनट्रेट नहीं कर पाता। मैंने तो अगर रात को लेट सोया हूँ और सुबह जल्दी स्पीकर ऑन हो गया है तो वो मैं किस तरह करके चीजों को मैनेज कर सकता हूँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या हमें मादर पितर आजादी दे देनी चाहिए मस्जिद के अंदर खड़े लोगों को कि वो जब मर्जी स्पीकर का बटन ऑन कर दें और जो मर्जी बोलना शुरू कर दें? क्या ये इस तरह की पोजीशन की जा सकती है? ऑब्वियसली नहीं की जा सकती, और ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और मेरा ख्याल है कि अभी भी लोगों को ये मानते हुए ये टाइम लगेगा कि लोगों की प्राइवेट लाइफ भी होती है, लोगों की प्राइवेसी होती है। हर बंदे को, हम ऑलरेडी मुसलमान बंदे को क्या मुसलमान करना है? वो जो एक बंदा पहले ही कहता है मैं मुसलमान हूँ भाई, वो कहता है आपको मैं हमें और मुसलमान करना चाहते हैं। तो ये जो इस तरह के तरीकेकार हैं ये एक ऑब्वियसली इट इज तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ ये जो न्यूज़ है, सऊदी अरेबिया ने जो लाउड स्पीकर का अनयूजुअल यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, मतलब अजान के अलावा भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में तो आपको पता ही है। तो दोस्तों ये अजान जो लाउड स्पीकर पर दी जाती है उसको लेकर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो ये पाकिस्तान का जो कमर चीमा है ये कितने सॉफ्ट तरीके से मतलब बात कर रहा है और ये बता रहा है कि अजान जो 5 टाइम होती है जो दी जाती है वो कई लोगों को इरिटेट करती है और कई लोगों को अच्छा लगता है उससे। तो ये मतलब अगर यही काम इंडिया में किया होता या इंडिया में किसी जगह ऐसा हो गया होता तो ये लोग मतलब डेफिनेटली ऐसा रोना रोते कि आप विश्वास ना करें। जैसे आपको याद होगा सोनू निगम का कुछ ऐसा मामला हुआ था, सोनू निगम कहीं मुंबई में जहाँ रहते हैं या कहीं रुके थे या जहाँ पर, मुझे ये नहीं पता, मुझे याद है कुछ सालों पहले हुआ था ये मामला। वो बोल रहे थे कि 5 बजे से एक मस्जिद की अजान बंद होती है, 10 मिनट बाद दूसरे मस्जिद की चालू हो जाती थी, 10 मिनट बाद तीसरे मस्जिद की चालू हो जाती, करना है तो एक बार कर लो नहीं तो ये क्यों कर रहे हो। फिर सोनू निगम का ये ट्वीट अजान को लेकर नहीं आया था, उन्होंने बोला था लाउड स्पीकर को लेकर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च शादी फंक्शन जो भी है उसको लेकर कुछ ना कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए, इससे लोग परेशान होते हैं। जो व्यक्ति रात भर काम करके आया है वो सुबह अगर सोने की कोशिश करता है तो वो सो नहीं पाता। इस तरीके की कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि इंडिया में इस तरीके की हुई थी कि सोनू निगम के सर के कलम करने के फतवे तक हो गए थे। तो आप समझ सकते हो इंडिया, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है। अब सऊदी अरेबिया में ये प्रॉब्लम आपको भी पता है किसी को हुई होगी या जो भी लोग हैं और उन्होंने ऐसा बोला होगा तो सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है, जो MBS है, उन्होंने एक्शन लिया कि इस तरीके से अगर प्रॉब्लम है तो इसे इस तरीके से सॉल्व कर लें। अजान ऑब्वियसली अगर आप अजान का अलार्म सेट कर लें, अगर ये अजान तो ऐसी चीज़ है कि अगर इसे दी जाए जिससे लोग मस्जिद में आए तो ऐसा कुछ कर सकते हो। आज के ज़माने में आप व्हाट्सएप अपडेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों को नहीं भी सुनना उनको ज़बरदस्ती सुनाना है। अब कई मुस्लिम लोग ये कहेंगे कि ऐसा तो मंदिर में भी लाउड स्पीकर, लेकिन मंदिर के लाउड स्पीकर स्पेशली जब फेस्टिवल होता है, जब बजते हैं, ऐसा नहीं है कि मंदिर में अगर आरती हो रही तो वो हमेशा लाउड
स्पीकर पर ही हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम चल रहे हैं या कभी किसी मंदिर में ऐसा होता है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आप बंद कर दें, तो वो बंद भी हो जाती है। अड़ते नहीं हैं लोग, अड़ते नहीं हैं, सर कलम करने की धमकी नहीं देते, इस तरीके का है मंदिर में। ज़्यादातर लाउड स्पीकर का यूज़ आपको भी पता है फेस्टिवल सीज़न में ही होता है, फेस्टिवल सीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि आपको पता है नवरात्रि के सीज़न में मोस्टली लाउड स्पीकर का यूज़ होता है, और महाराष्ट्र वगैरह और बहुत सारे जगह जहाँ पर गणेश उत्सव बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पर होता है गणेश उत्सव में। बाकी मंदिर वगैरह में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि साल में 365 दिन में 5 टाइम आप लाउड स्पीकर बजाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मंदिर में तो ये मामला आता नहीं है, गुरुद्वारा में भी ऐसा ही कुछ है, ऐसा कुछ गुरुद्वारा में भी नहीं है और गुरुद्वारा वगैरह में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गाइज ये है चीज़। और अगर आप किसी मतलब ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर काफिर ज़्यादा हैं मुस्लिम कम है, लेकिन फिर भी आप उसे ज़बरदस्ती सुना रहे हो, और ऐसा इंडिया में तो ज़्यादातर काफिर ही हैं, तो उनको ज़बरदस्ती सुना रहे हो, इसका मतलब डेफिनेटली आप किसी ना किसी को इरिटेट करके अपना जो भी है पूजा पाठ या जिसे कहते हैं इबादत कर रहे हो, तो फिर वो आपकी इबादत सफल कैसे होगी। लेकिन अब यहाँ के लोग तो नहीं समझते, यहाँ के लोग सऊदी अरेबिया से भी कट्टर मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, मतलब ये साबित करते हैं कि हम आपसे भी बड़े मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। आपको भी पता है नया नया जो, अब मैं वो सब चीज़ें क्या डिस्कस करूं। तो गई सऊदी अरेबिया ऐसा एक्शन ले सकता है, इंडिया में ये होगा तो आपको भी पता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रोना ये वो जमाना फलाना ठिकाना होगा। तो इंडिया जैसे देश में तो पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान में तो आप सोचिए भी ना, बांग्लादेश में सोचे भी ना, तो ये केवल हो सकता है सऊदी अरेबिया में। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।